हाई एवरी वन, दिस इज दीपशिखा फ्रॉम नर्चरिंग माइंड्स। वेल, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंड द टॉपिक इज हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। हमें लाइफ में कई बार अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, जैसे स्कूल में, ट्यूशन में, आपने कॉलेज में एडमिशन लिया वहाँ पर इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, या फिर जॉब इंटरव्यू में। जॉब इंटरव्यू में सबसे पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या बोला जाता है और वो कौन से स्टेप्स है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के साथ में एक बेल आइकन होगा, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से। फर्स्ट स्टेप है हमारा ग्रीट। जब सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले हमारे सामने जो भी है हम उसे ग्रीट करेंगे। मॉर्निंग का टाइम है, देन यू विल से गुड मॉर्निंग। अगर दोपहर हो रही है, आफ्टरनून का टाइम है, तो आप कहेंगे गुड आफ्टरनून, और इवनिंग का टाइम है तो गुड इवनिंग। नेक्स्ट इज योर नेम। सबसे पहले हम बताएंगे अपना नाम। आप बोल सकते हैं माई नेम इज दिस, आई एम दिस, और दिस इज दिस। जैसे मेरा नाम दीपशिखा है तो मैं बोल सकती हूँ माई नेम इज दीपशिखा, आई एम दीपशिखा, एंड दिस इज दीपशिखा। माई सेल्फ दीपशिखा, कुछ लोग बोलते हैं माई सेल्फ दिस। तो ये जो माई सेल्फ है, दिस इज एक्चुअली ग्रामेटिकली रॉन्ग। ग्रामेटिकली आप माई सेल्फ वर्ड का यूज एज अ सब्जेक्ट नहीं कर सकते, तो आप इसको ना बोले तो ही बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट इज प्लेस, फ्रॉम वेयर यू बिलोंग टू। वो प्लेस आप जहाँ से रहने वाले हैं और जहाँ से बिलोंग करते हैं। आई बिलोंग टू दैट प्लेस, कोई भी शहर हो सकता है, कोई भी विलेज हो सकता है, तो आप उसका नाम बताएंगे। अगर आप दिल्ली से हैं, आई बिलोंग टू दिल्ली। आप मुंबई से हैं, आई बिलोंग टू मुंबई। आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम मुंबई। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन। आप अगर स्कूल में हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम इन डैश स्टैंडर्ड। अगर आप सिक्स्थ में हैं, सेवन्थ में हैं, एट्थ में हैं, नाइन्थ में हैं, तो आप बोलेंगे आई एम इन टेंथ स्टैंडर्ड। और आप बोल सकते हैं आई एम इन क्लास टेन। स्टैंडर्ड के लिए आप लगाएंगे टेंथ स्टैंडर्ड और क्लास टेन। अगर आप कॉलेज में हैं, कॉलेज में देखिए जो हमारा कोर्स होता है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, वो होता है 3, 4, 2 years ऐसे होते हैं, तो उन्हें 2 साल तक 3 साल तक हमें कंटिन्यू करना होता है, तो इसलिए हम उसके लिए यूज़ करते हैं परस्यू। परस्यू करना मीन्स आप उस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर 2 or 3 years। तो आई एम परस्यूइंग BSc, आई एम परस्यूइंग BCom, आई एम परस्यूइंग BTech, आप यहाँ पर यूज़ करेंगे परस्यूइंग। आई हैव कम्प्लीटेड, अगर आपने स्कूल कम्प्लीट कर लिया है, 12th कम्प्लीट कर लिया है, तो आप बोल सकते हैं आई हैव कम्प्लीटेड माई 12th क्लास। और अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया है या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया है, तो आप लिख सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन और आई हैव कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन। और आप क्या यूज़ कर सकते हैं ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। आई एम अ ग्रेजुएट मीन्स आई हैव डन ग्रेजुएशन, और आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट मीन्स आई हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फैमिली। यहाँ पर हम बताएंगे टोटल फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, और आपके कितने सिबलिंग्स हैं। सिबलिंग्स मीन्स आपके कितने रियल ब्रदर एंड सिस्टर हैं। हम यहाँ पर फैमिली मेंबर्स टोटल बताएंगे। वी आर डैश मेंबर्स इन आवर फैमिली। आप फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं, तो आप यहाँ पर वो बताएंगे जितने भी आप मेंबर्स हैं टोटल। माई फादर इज डैश, माई फादर इज अ बिजनेस मैन, माई फादर इज एन इंजीनियर, माई फादर इज अ डॉक्टर। तो यहाँ पर आप उनका ऑक्यूपेशन, उनका प्रोफेशन बताएंगे। नेक्स्ट इज माई मदर, माई मदर इज अ टीचर, माई मदर इज अ डॉक्टर, माई मदर इज अ होम मेकर। अगर आपकी मम्मा घर पर रहती हैं, घर संभालती हैं, तो आप हाउस वाइफ का यूज़ नहीं करेंगे, हाउस वाइफ वर्ड का, आप बोलेंगे होम मेकर, माई मदर इज़ अ होम मेकर। आई हैव डैश सिबलिंग्स। आप एक आप हैं, आपके अलावा 2 भाई बहन और हैं आपके, तो आप बोल सकते हैं I have 2 siblings. अगर आप अपने आप को include करके बताएंगे तो आप बोलेंगे we are 3 siblings. या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं I have 1 brother
एंड वन सिस्टर मीन्स एक आप हैं, आपके अलावा आपका एक और भाई है और एक सिस्टर भी है, तो आप बोल सकते हैं आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर। अगर आप एक ही बच्चे हैं अपनी फैमिली में, आपके पेरेंट्स और आप अकेले हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स का इकलौता बच्चा हूँ, आई एम द ओनली चाइल्ड। यहाँ पर हम पेरेंट्स का नाम नहीं बताएंगे, माई फादर्स नेम इज़ दिस और माई मदर्स नेम इज़ दिस, वो आप इंट्रोडक्शन में नहीं बताते हैं बिकॉज इट्स योर इंट्रोडक्शन। सिर्फ आप अपने पेरेंट्स के बारे में उनका ऑक्यूपेशन बताएंगे, उनका प्रोफेशन बताएंगे। नेक्स्ट स्टेप वी हैव हॉबी। हॉबी आपका शौक क्या है, आप किस चीज़ को लाइक करते हैं, आप कैसे बता सकते हैं माई हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है। और अगर आपको एक से ज़्यादा हॉबीज़ हैं आपकी, तो आप बताएंगे माई हॉबीज़ आर सिंगिंग एंड डांसिंग, माई हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट एंड प्लेइंग फुटबॉल। तो इस तरीके से आप हॉबीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इन वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है माई हॉबी इज़ दिस, तो आप सिंपली बोल सकते हैं आई लव रीडिंग बुक्स, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, आई लव सिंगिंग, आई लव डांसिंग, आई लव वॉचिंग टेलीविजन, आई लव लिसनिंग टू म्यूज़िक। अब देखिए, कुछ लोग लिसनिंग टू म्यूज़िक में मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है, तो यहाँ पर वो यूज़ करते हैं आई लव लिसनिंग म्यूज़िक। ये जो टू प्रेपोजिशन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आप बोलेंगे आई लव लिसनिंग टू म्यूज़िक, नॉट आई लव लिसनिंग म्यूज़िक, तो लिसनिंग टू म्यूज़िक आएगा। नेक्स्ट इज़ योर स्ट्रेंथ, आप किस चीज़ में बहुत अच्छे हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। सो यू कैन से माई स्ट्रेंथ इज़ माई पॉजिटिव एटीट्यूड, कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। माई स्ट्रेंथ इज़ माई हेल्पिंग नेचर, मैं दूसरों की हेल्प करता हूँ। और माई स्ट्रेंथ इज़ दैट आई लर्न फ्रॉम माई एटमोसफेयर, मुझे किसी को ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरे आसपास जो भी हो रहा है मैं उससे खुद ही सीख जाता हूँ। सो दैट इज़ माई स्ट्रेंथ। आप कोई भी अपनी अच्छी क्वालिटी बता सकते हैं इसमें। नेक्स्ट इज़ वीकनेस। माई वीकनेस इज़ दैट आई कॉन्ट से नो टू एनी वन, मैं किसी को किसी काम के लिए मना नहीं कर सकता। अगर कोई मेरे पास हेल्प मांगने आता है, कोई मुझे कोई काम बताता है, तो मैं उसे मना नहीं कर पाता, दैट्स माई वीकनेस। क्योंकि वो कई बार मुझ पर हावी हो जाती है वो चीज़, मैं ही कई बार प्रॉब्लम में आ जाता हूँ। नेक्स्ट इज़ माई वीकनेस इज़ दैट आई बिलीव इन पीपल सो ईजीली, मैं इतना ज़्यादा इमोशनल वी कैन से, और मैं इतना ज़्यादा सिंपल हूँ कि मैं किसी भी इंसान में ईजीली बिलीव कर लेता हूँ। बट आप इंट्रोडक्शन में ज़रूरी नहीं है कि अपनी स्ट्रेंथ को और वीकनेसेस को बताएं, स्पेशली वीकनेसेस को। तो वीकनेस अगर आप नहीं बताते हैं देन इट इज़ ओके, अगर कोई आपसे पूछता है देन यू कैन टेल अबाउट योर वीकनेस, बट अपने आप अपनी वीकनेस को नहीं बताएंगे। नेक्स्ट इज योर एम, आपका एम क्या है, व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ। माय एम इज़ टू बी एन इंजीनियर, माय एम इज़ टू बी अ डॉक्टर, माय एम इज़ टू बी अ टीचर, माय एम इज़ टू बी अ बिजनेसमैन। तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं माई एम इज़ टू बी और आई वॉन्ट टू बी, मैं ये बनना चाहता हूँ, दोनों में से कोई भी आप लाइन यूज़ कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, आई वॉन्ट टू बी अ बिजनेस मैन, लाइक दिस। और लास्ट में आप बोलेंगे दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। सो ये आपके स्टेप्स थे जो हम एक अच्छे इंट्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। और अगर आप जॉब पर्पज़ के लिए अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, तो उसमें थोड़े से और स्टेप्स हम ऐड करते हैं, इसमें से हम थोड़े से स्टेप्स को निकाल देते हैं, तो वो और अच्छा ज़्यादा आपका इंट्रोडक्शन बन जाता है। वो भी मैं ट्राई करूँगी कि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपका एक जॉब में आप कैसे एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, तो मैं उसके लिए भी वीडियो आपके लिए बनाऊँगी। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।